नारियल पानी और कोकोनट शेक हर जगह ही मिल जाता है, लेकिन इंदौर के कोकोनट क्रश की बात ही अलग है। ना केवल ये स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसका बनाने का तरीका तो बहुत ही खतरनाक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हम इंदौर में सराफा बाजार में ट्राई करेंगे यहाँ का बहुत ही फेमस कोकोनट क्रश। तो सबसे पहले ये देखिए, नारियल को काटा जा रहा है, और काटने का तरीका देखो भाई का, काट नहीं रहा है, नारियल का मर्डर किया जा रहा है बिल्कुल। अरे वाह, चलो पूरे जोश में भाई नारियल काटने के लिए। और ये देखिए जो नारियल काटा गया, उस नारियल के पानी को ये देखिए कितने ऊपर से डाला जा रहा है इसमें। अरे वाह, और अब ये नारियल बीच से काटा जाएगा, इसके अंदर की जो मलाई है वो भी यूज की जाएगी। और ये देखिए नारियल की मलाई निकाली जा रही है, और निकालने का तरीका भी अलग बिल्कुल। ये देखो तो कितनी तेज स्पीड से भाई का हाथ चल रहे हैं, ये देखो आप। और ये नारियल की मलाई डाली जा रही है, इसमें नारियल का पानी डाला है, उसमें नारियल की मलाई डाली है, ये देखिए वो निकाली जा रही है मलाई। ये देखो, मतलब मैं तो फैन हो गया हूँ भाई के नारियल काटने के तरीके का, मतलब इतने जोश में और इतनी ताकत के साथ। और अब पानी डाला जाएगा नारियल का, ये देखिए। अरे वाह, और ये इसमें क्या डाली जा रही है, चीनी। ये देखिए, ये इसमें चीनी डाली जा रही है। अरे वाह, तो भाई इसमें तीन चीजें हैं बस। हाँ, नारियल का पानी, नारियल की मलाई, नारियल का आइस और थोड़ी चीनी। तो नारियल की नारियल का पानी, नारियल की मलाई, आरओ के पानी का बर्फ और हल्की सी चीनी, ये इधर से निकल रहा है हमारा कोकोनट क्रश। अरे वाह, और ये देखो कितने तेज स्पीड में भैया यहाँ हाथ घुमा लेते हैं। ये फ्रेश कोकोनट क्रश तैयार हो गया, ये हो गया फ्रेश कोकोनट क्रश तैयार। एक एक लगा दो भाई, ये हमारा फ्रेश कोकोनट क्रश तैयार हो चुका है, और इतने सारे ग्लासेस एक बार में बन रहे हैं यहाँ पे। सब में स्पेशल इंदौरी मलाई के पीसेस भी डालेंगे। तो अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी इसमें स्पेशल इंदौरी मलाई के पीसेस डालेंगे। तो ये आ रही है स्पेशल इंदौरी मलाई। अरे वाह भाई, इसे देख के मेरा तो पीने का दिल कर गया है। अगर आपका पीने का दिल कर गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नवीन भाई के लिए सराफा बाजार आओ और एक बार इसे पी के भी जरूर जाना। भाई कितने साल पहले स्टार्ट किया था आपने? सर 9 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने। 9 साल पहले? पहले नारियल पानी बेचता था, मुंबई गया तो घूमने, वहाँ पर विचार आया, बनते हुए देखा था जवेरी बाजार। अरे जवेरी बाजार बनते हुए देखा था। जवेरी बाजार से मैं सीखकर आया, 3 दिन रुकता। तो ये देखिए गाइस, हमारा कोकोनट क्रश आ चुका है, 50 रुपए प्राइस है इसका। पीके देखते हैं, फिर टेस्ट बताते हैं आपको। इतना बढ़िया स्वाद है, ऐसा लग रहा है कोकोनट आपने पी लिया है। ना केवल टेस्टी है, रिफ्रेशिंग बहुत ज्यादा है, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं डली हुई है, कुछ मिलावट नहीं है आपके सामने, केवल कोकोनट का पानी, कोकोनट की मलाई, हल्की सी चीनी और थोड़ा सा बर्फ। पी के मजा आ गया, अंदर तक शांति दे रहा है, गर्मी में तो बहुत ही बढ़िया। मैं आज दूसरी बार आया हूँ सराफा बाजार, तो मेरे को ये इतना पसंद है, यहाँ पे आते सबसे पहले मैंने ये ट्राई किया। तो अगर आप सराफा बाजार आ रहे हो तो ये नवीन भाई के यहाँ पे जो कोकोनट क्रश है ये जरूर ट्राई करना। अगर गर्मियों में आओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ प्यार हो जाएगा आपको। एक गिलास आपका काम नहीं चलेगा, 2-3 गिलास चाहिए होंगे आपको, इतना बढ़िया।